जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का अपना चैनल राज मैथवाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर है परसेंटेज। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए प्रश्न 11 क्या कर रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या क्या थी? देखिए एक चुनाव हो रहा है जिसमें दो उम्मीदवार है, एक जीतने वाला एक हारने वाला। तो जो जीता है, एक जीता है और एक हारा है, ठीक है। प्रश्न क्या रहेगा, हारने वाला जो उम्मीदवार है उसे टोटल वोट का 30% मिला है। कितना मिला? 30%। जो परसेंट की चर्चा करते हैं 100 पर करते हैं, अगर टोटल 100% है तो 100% में हारने वाला कितना मिला है? 30%। तब बचा कितना? 70%। तो 70% किसे मिला है? जीतने वाले को मिला है। जब दो ही उम्मीदवार है तो हारने वाला 30% मिले, तो बचा कितना? 70%। 70% किसे मिला है? जीतने वाले को मिला है। अब प्रश्न कर रखा, जो जीतने वाला वोट थी उम्मीदवार है 210 वोट से जीता है, यानी इसे 210 वोट अधिक मिला है। तो परसेंट में कितना अंतर है? परसेंट में इसे 40% अधिक मिला है और वोट में 210 वोट, यानी 40% किसके बराबर है? 210 वोट के बराबर है। हमको चाहिए 100%। दोनों टोटल वोट पूछ रहा है तो टोटल वोट 70-30 100%। 100% में चाहिए हमको, जिसका मान दिया रहा बटन आएगा, जिसका वैल्यू पूछा उससे गुना करेंगे, ठीक है। तो 40 का मान क्या है? 210, तो ये बटन आएगा 210/40% गुना 100% मान चाहे पूछ रहा है तो 100 से गुना करेंगे। 0 0 4 से काटा 100 25 बार में, यानी बचा कितना? 21 × 25। गुना करते हैं 25 का 25 हासिल बचा 2 25 × 50 2 52। टोटल जो वोट की संख्या है 525 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए प्रश्न 12 क्या कर रहा है। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी? देखिए एक विद्यालय है जिसमें जो कुछ विद्यार्थी जो है परीक्षा देते हैं, तो उत्तीर्ण यानी जो पास हुए विद्यार्थी कितना है? जो पास हुए विद्यार्थी 65% है। तो परसेंट की चर्चा 100 पर करता हूँ, मान लीजिए 100% टोटल है, टोटल अपने आप में 100% होगा। तो 100% में पास कितना पर हुआ है? 65%। तो बचा कितना? जो फेल हुआ वो बचा 35%। अगर टोटल 100% में 65% पास हो गया तो बचा कितना? जो फेल हो गया तो 35% बचा। अब यहाँ सही संख्या दिया है, जो फेल होने की संख्या दिया है 420। हमको चाहिए टोटल विद्यार्थी की संख्या। तो 35% किसके बराबर है? 420 के बराबर है। 35% 420 के बराबर है। हमको चाहिए 100% का मान। तो 100% मान क्या होगा? 420/35% गुने 100%। परसेंट में परसेंट कैंसिल, 7 से कटता है 7 × 5 35 7 × 6 = 42 60 बार में, 5 से कटता है 12 × 5 = 60। यानी 100% मान चलाया 1200। टोटल जो विद्यार्थी की संख्या है 1200 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए प्रश्न 13 क्या कर रहा है। वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? देखिए वृत्त के पहले देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या था। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें त्रिज्या तो मालूम नहीं है, मान लें कि त्रिज्या कितना है? 1 है। अब रेशियो भी ले सकते हैं या इसी भी ले सकते हैं, ठीक है। और मान लें कि त्रिज्या 1 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई, पाई को हम तोड़ते नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पाई आर के मान कितना है? 1 रखे हैं तो 1 का स्क्वायर कितना है? 1 ही आएगा, यानी इसको गुना करेंगे तो पाई सिर्फ पाई आएगा, ठीक है। अब त्रिज्या को हम 100% बढ़ा रहे हैं, 100% का मतलब यानी जो त्रिज्या जितना है उसे दुगुना कर रहा है। तो पहले त्रिज्या और 1 है तो अब त्रिज्या कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई। ये पहले का क्षेत्रफल है, ये बाद का क्षेत्रफल है। अब देख यहाँ अंतर कितना है, यानी वृद्धि हुआ 3 का वृद्धि हुआ है। 4 पाई में से
अगर हम पाई घटाते हैं कितना का, 3 पाई, 3 पाई का अंतर है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको पूछा है कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, जब परसेंट वृद्धि है पूछा गया तो जितना जो ऊपर वृद्धि हो रहा था ऊपर लिखेंगे 3 पाई। तुलना किसे कराता है, तुलना कर रहा पहले का क्षेत्रफल से, पहले का क्षेत्रफल कितना आया था पाई, तो बटा पाई, परसेंट का मान निकलेगा 100 से गुना करेगा तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से गुना करेगा 300, यानी 300% की वृद्धि हुआ है। देखिए जब क्षेत्रफल में आप यह रेशियो भी ले सकते हैं, पहला क्षेत्रफल और बाद का क्षेत्रफल, पहला क्षेत्रफल आप एक 100 कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्षेत्रफल मानेगा तो पहला कितना मान है, एक मान लिए जो पहला, देखिए पाई से तो पाई कॉमन होकर कट जाएगा, जब रेशियो हम मान रहे हैं तो पाई यहाँ भी है और दूसरा भी पाई रहेगा तो पाई तो कट जाएगा, बचा क्या जो त्रिज्या का, त्रिज्या का मान रहेगा, जो त्रिज्या रहेगा त्रिज्या का, तो पहले अगर त्रिज्या एक है तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर एक का स्क्वायर नहीं कितना है, एक ही आएगा। फिर दूसरा क्या है इसका, और दोगुना कर रहे हैं तो त्रिज्या कितना हो गया, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। तो अब किस तरह से आया, पहला जो देखिए यहाँ पाई भी लगाइए तो पाई, तो पाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, बच्चा कितना 1 4, ठीक है। पाई लिखिए नहीं लिखिए, कहीं दोनों में कॉमन रहेगा तो कट जाएगा, ठीक है। पहले क्षेत्रफल 1 था, अब बाद में कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हुआ, 3। तुलना किस है, जिससे तुलना करेगा बट्टा में आएगा, वृद्धि कितना हो रहा है, 3 का, 3 ऊपर लिखेंगे बट्टा में 1 × 100, तो 300% वृद्धि। अब यही कहता इकारा कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, अब यही कहता कितना कितना परसेंट हो गया है, देखिए दोनों थोड़ा सा अंतर है, कितना परसेंट वृद्धि हुआ है तो 300%, कितना वृद्धि हुआ है सॉरी कितना हो गया है, कितना हो गया है तो कितना हो गया, 400% कहिए या 4 गुना कहिए। पहले क्षेत्रफल 1 था, 1 से कितना हो गया, 4, तो अब कहे कितना हो गया तो 4 1 से कितना हो गया, 4, तुलना करके किससे करना है, 1 × 100, तो 400% हो गया है। कितना परसेंट वृद्धि हुआ तो 300%, कितना हो गया है तो 400%, ठीक है। ऑप्शन क्या तेरा का, डी। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए प्रश्न 14 क्या कह रहा है, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें होगी। देखिए हमको लाइब्रेरी टोटल जो पुस्तक है उसमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं 100 पुस्तक है, टोटल जो पुस्तक की संख्या मान लेते हैं 100 है। अब प्रश्न क्या रहेगा, जो इंग्लिश भाषा है अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा का टोटल जो बुक है उसका 40% अंग्रेजी है, तो 100 का हम 40% निकाल लेते हैं, कितना का 40 ही आएगा। देखिए 40% का चिन्ह हटेगा बट्टा में 100 100 100 कैंसिल, यानी कितना है 40। टोटल लाइब्रेरी में बुक की जो संख्या है और 100 माने हैं तो अंग्रेजी कितना है, अंग्रेजी भाषा का 40, बच्चा कितना 60, 60 जो है वो दूसरे भाषा का हो गया। अब प्रश्न कह रहा है जो शेष पुस्तक बचा है उसमें 40% जो है हिंदी है, तो शेष कितना है मेरे पास बुक है 60 है, तो 60 का हम अगर 40% निकालें तो परसेंट चिन्ह हटा बट्टा में 100 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, कितना 6 6 24, यानी 24 जो बुक है हिंदी का हो गया, कितना 24। और जो शेष जो बचा, तो शेष जो बचा क्षेत्रीय भाषा हो गया, क्षेत्रीय भाषा। देखिए और 60 में 24 घटाएंगे कितना का 36, जो 36 हो गया वो अन्य भाषा का हो गया। टोटल अगर बुक की संख्या अगर मान लीजिए कि लाइब्रेरी में 100 किताब है जिसमें कितना है अंग्रेजी, कितना है अंग्रेजी भाषा का 40 हो गया, हिंदी भाषा का हो गया 24 और क्षेत्रीय भाषा का 36 हो गया, टोटल मिलाकर 100 हो गया, ठीक है। अब प्रश्न करेगा जो हिंदी के हिंदी दिया है तो हिंदी मेरा कितना आया, जब 100 हम माने हैं बुक की संख्या तो इसमें मेरा 24 आ रहा है, यानी 24 यूनिट में मान कितना दिया 4800, जो बुक की हिंदी बुक की संख्या जो बुक में दिया है कितना दिया है 4800, यानी 24 यूनिट का मान दिया 4800, हमको चाहिए 100 यूनिट का मान, हम कितना मान है 100 मान है तो 100 यूनिट का मान चाहिए, टोटल बुक पूछ रहा है तो जिसका मान दिया रहा बट्टा में आएगा, तो हमको चाहिए 100 का मान, तो 100 से गुना करेंगे 100 का मान चाहिए, तो 4800 बट्टा 24 गुने 48
सॉरी 100, 24 × 48 कितना का 200, 200 में 100 गुना करें कितना का 20,000। जो लाइब्रेरी में टोटल बुक जो बुक की संख्या है 20,000 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए प्रश्न 15 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी जीके में फेल हो गए और 25% अंग्रेजी में, यदि 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होंगे। देखिए एक परीक्षा पड़ता है जिसमें दो विषय हैं, जीके और इंग्लिश है, ठीक है, जीके है और इंग्लिश है। तो जो जीके में फेल हुआ उसका जो विद्यार्थी का परसेंट है 35% है, जीके में जो फेल हुआ उसके विद्यार्थी की संख्या है 35% और इंग्लिश में फेल हुआ उसका 25% है। देखिए ऐसा प्रश्न बनाने के हम डायग्राम भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और दोनों मिला कितना है, जीके और इंग्लिश है दोनों मिला का 10%। तो एक डायग्राम बना जीके का बना लेते हैं और एक वृत्त बना लेते हैं इंग्लिश का। तो ये मेरा जीके मान ली, जीके और ये मान ली इंग्लिश, इंग्लिश मान ली। जो पहले बीच का संख्या बोले उसको पहले लिखेंगे 10%। देखिए टोटल मिला कितना है, जो जीके है 35% है, 35% में और दोनों में यहाँ 10% निकल गया था, बचा कितना 25% यहाँ हो गया, दोनों मिला के कितना हो गया 35%। ये इंग्लिश जो है इंग्लिश में 25% टोटल है तो यहाँ दोनों में और 10% कॉमन है तो बचा कितना 15% अलग होगा। देखिए जीके में सिर्फ जीके में कितना परसेंट फेल हुआ 25%, सिर्फ अंग्रेजी में कितना हुआ 15%, दोनों में कितना हो गया 10% और सभी को टोटल जोड़ रहे हैं तो कितना 15, 30, 40, 10, 50 और टोटल हम जोड़ रहे कितना फेल हो रहा है 50%। 25% सिर्फ जीके में, 10% दोनों में और 15% सिर्फ इंग्लिश में, यहाँ टोटल जोड़ रहे हैं तो 50% फेल हो रहा है। परसेंट चाहे 100 पर करता है, 100% में अगर 50% फेल हो जा रहा है तो बचा कितना 50%, तो 50% क्या हो गया पास हो रहा है, यानी जो संख्या पास की संख्या हो गया 50% हो गया। ये तो एक तरीका है, डायग्राम बना लीजिए, जो कॉमन संख्या उसको बीच में लिखिए, जो अलग अलग है तो वो अलग लिख लीजिए, सभी जोड़ लीजिए, 100 में से जितना और परसेंट में मान दिया है तो 100 में से घटा लेंगे, मैं जो पास जो और बाद वाला पूछ रहा है तो पास वाला पूछ रहा है, ये मेरा फेल वाला था, आप यहाँ पास भी लगा सकते हैं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, नहीं तो एक तरीका और है। देखिए जब दोनों अलग अलग दिया रहा फिर एक साथ में दिया रहा, जीके में कितना परसेंट फेल हो रहा है 35%, इंग्लिश में 25%, दोनों मिला कितना आ रहा है 10%। तब पहले जो अलग अलग है उसका पहले लिख लीजिए, ये मेरा फेल होने वाला है, ठीक है, फेल होने वाला का परसेंट है। तब 35 और 15 जोड़ेंगे कितना 40 और 20 60, यानी 60% टोटल हुआ। जब ऐसा प्रश्न है ना तो जो अलग अलग रहे तो पहले 35% और प्लस 25% जोड़ लेंगे, टोटल कितना है 60%, और जो हमारे दोनों मिला का हो रहा है उसको घटाएंगे तो 10% इसे घटाएंगे कितना 60% में और 10% घटाते हैं तो कितना आ गया 50%, यानी 50% क्या है फेल होने वाला है, 50% फेल होने वाला, तो 100 में से 50 हम घटाएंगे कितना आ गया 50%, तो 50% पास होगा। ये तो एक तरीका हो गया। आप यहाँ पे देखिए ये तो फेल होने वाला आप पास होने वाला भी रख सकते हैं, अगर 35% फेल हो रहा था बचा कितना 65% पास हो रहा है जीके में, और इंग्लिश में 25% फेल हो रहा था पास कितना होगा 75%, दोनों मिलाकर 10% अगर फेल हो रहा है तो बचा कितना 90% दोनों मिलाकर पास हो रहा है। अब यहाँ भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे जोड़ते हैं 65% प्लस 75% दोनों जोड़ कितना 5 10 140, दोनों को अलग अलग जोड़ लिए, पहले जो अलग अलग दिया उसका मान जोड़ लिए कितना हो गया 140%, फिर जो बीच वाला दिया है दोनों मिला के उसको घटाएंगे तो 140 - 90 करेंगे, ये मेरा क्या लिखा है ये पास वाला है, ये पास वाला परसेंट लिखा है, तो 140 में 90 घटाएंगे कितना आएगा 50%, जो पास होने वाला संख्या है 50% है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।